हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनो गार्डनिंग। और मेरा नाम है मोनिका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारा पिटूनिया होता है उसके फूलों से हम बीज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये मेरा पिटूनिया का जो प्लांट है ये इस तरह का हो गया है, और जो हमारे ये इस तरह के सूखे हुए मतलब जो सूखी हुई कलियाँ हैं इसमें से फूल निकलते थे, अब निकलना बंद हो गया, अब बीज बनाने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। तो इसमें जो ये आप लोगों को दिख रहा है इसमें बीज है बहुत सारे, ये देखो पत्तों पे भी गिरे हुए हैं। तो ये इतने सारे बीज हैं, मेरे सभी पत्तों पे गिरे हुए हैं ये। तो हम बहुत सारे अपने नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारा अपना इसका पिटूनिया का बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कैसे हमें सेव करना है। तो जो ऐसे हमारी कलियां पकी रहती है ना जिसके अंदर बीज होता है, तो उसको हम ऐसे सीजर से कट कर लेंगे ऐसे करके, और इनको एक बाउल में कलेक्ट करते रहेंगे जिससे कि हम इनको आसानी से ले सकते हैं। ये देखो बीज हमारे पास इतने बीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मम्मी कभी ये अनलिमिटेड हो जाते हो क्या होगा? तो ये मैंने इतना सारा ले लिया है और इसमें से बिना निकाले भी इतना सारा बीज निकल गया है, आप लोग देख ही सकते होंगे। तो मैं अब जो इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी। इस तरह का हम कोई भी ऐसा कंटेनर ले सकते हैं, मतलब छोटा सा, जिसमें हम इस सारे बीजों को कलेक्ट कर सके। तो हम ऐसे कोई भी कली लेंगे और उसको ऐसे कर देंगे। ये देखो एक उसमें से कितने सारे बीज निकल रहे हैं, ये देखो हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे ही हम दूसरा लेंगे और उसे भी हम ऐसे ही, ये देखो किस तरह से ये देखो इसकी बार थोड़ा मैं नीचे से दिखा रही हूँ। ये देखो मैं आप लोगों को सारा कलेक्ट करने के बाद दिखाती हूँ। तो मेरे पास इतना सारा बीज जो है पिटूनिया का कलेक्ट हो गए हैं, तो ये मेरे अगले साल काम आएगा। इसमें हम एक नेम चिट भी लगा सकते हैं कि हमारे पास किसका बीज है, पर मुझे ऐसे ही याद रहता है कि भाई ये पिटूनिया का बीज है और इसको मैं इसमें बंद करके रख दूंगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और